शोभिया के ससुराल वालों की जब डिमांड पूरी नहीं होती तो वो बारात लेकर वापस चले जाती हैं, क्योंकि वो तो लालची लोग थे। उन्हें तो लगा था कि इतने बड़े घर में हम बैठ गए हैं, अब ये घर हमारा ही हो जाएगा और शोभिया का मामू ये घर शायद हमारे नाम ही कर दे। और उन्होंने निकाह के ऐन वक्त डिमांड रखी कि घर हमारे नाम कर दिया जाए, हमारे बेटे के नाम कर दिया जाए। उन्हें लगा था कि अब ये लोग हमारी बात मान जाएंगे, क्योंकि सब मेहमान आए हुए हैं, ये अपनी इंसल्ट फील करेंगे, मजबूरन इन्हें हमारी बात माननी होगी। लेकिन अब भला कौन किसी की औलाद के लिए इतना बड़ा कदम उठाता या शोभिया की खुशी के बारे में सोचता। वैसे भी ठीक है, कासम ने ठीक किया, उसने इन लोगों की बात नहीं मानी, क्योंकि ये लालची लोग हैं। आज इन्होंने घर की डिमांड की थी, कल दूसरे दिन ये करते। अब शोभिया से कहते, अपने मामू से कहो कि गाड़ी लेकर दें, अब तुम रिक्शों में या फिर बसों में धक्के खाओगी तो अच्छा लगेगा, इस तरह तो तुम्हारे मामू की बेइज्जती होगी ना। जब ये बारात वापस चली जाती है, शोभिया रोना पीटना शुरू कर देती है। इसकी वालदा इसे संभालती है और इसे अपने घर लेकर जाती है। इधर कासम बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए, आखिर बेटी का मामला है। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है शोभिया के लिए और उसकी वालदा के लिए, मेरी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, मैं ये रिश्ता करवाऊँगा, इस बच्ची का किसी अच्छी जगह रिश्ता करवाऊँगा जो कि लालची ना हो। कासम शोभिया की वालदा को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बहन यास्मीन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिश्ता मेरी वजह से ख़त्म हुआ है ना। इस पर यास्मीन कहती है, नहीं नहीं भाई, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो लोग थे ही लालची, बेहतर हुआ जो होना था वो हो गया। तो कासम कहता है, नहीं, ये रिश्ता मेरी वजह से ख़त्म हुआ है, अब तुम देखना मैं शोभिया का रिश्ता बहुत अच्छी जगह करवाऊंगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। यास्मीन फिर अपने कमरे में आएगी, शोभिया से कहेगी, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे मामू तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहती हैं कि अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं शोभिया की शादी कहीं अच्छी जगह करवाऊँगा। इस पर शोभिया बुड़बुड़ाते हुए कहती है, हाँ, उन्हें अगर मेरी खुशी का इतना ही ख्याल होता तो उनकी बात मान लेते, क्या था कोई छोटा मोटा घर लेकर दे देते, इतने पैसे तो उनके पास है ना। इस पर यास्मीन कहती है, कैसी बातें कर रही हो, पहले कम किया है उन्होंने हमारे लिए, घर की बात कह रही हो, घर ऐवें ही आ जाते हैं। और ये शोभिया बदतमीज़ उठती है, अपना जोड़ा लेकर जो कि ब्राइडल ड्रेस होता है वो बाहर फेंकेगी, इसे आग लगा देगी। इसकी वालदा जब खिड़की में से देखती है कि शोभिया ने कपड़ों को आग लगा दी, वो भागती हुई आती है, कहती है, शोभिया क्या कर रही हो, चीखती चिल्लाती है तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। शोभिया की मुमानी भी कहती है, क्या है ये, कैसी हरकतें कर रही हो, क्या हुआ है, ये कपड़े जलाने की क्या ज़रूरत थी। इतने में यहाँ कासम भी आ जाता है, कासम कहता है, क्या कर रही हो बेटी, ये क्यों तमाशा लगा रही हो। इसमें शोभिया कहती है कि मामू मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, आपको मेरी खुशियों का क्या एहसास है, मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती फिर भी आप ऐसा ही करते, फिर आपको कोई तकलीफ़ ना होती, मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझ रहा। इस पर यास्मीन कहती है, शोभिया क्या हो गया है, क्या बोल रही हो। दूसरी तरफ से हारस आ जाता है, वो कहता है, बोलने दे इसे, तुम जैसे लालची लोग यही करते हैं, मेरे बाप ने इसलिए कमाया है कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की जाएं। कासम कहता है, हारस खामोश हो जाओ। जवाब में हारस कहता है, मैं इसके इमोशनल ड्रामों में ना ब्लैकमेल होने वाला नहीं, और आप लोग सुन लें, आप भी इसके इमोशनल ड्रामों में ना ब्लैकमेल मत हों, ये ड्रामे कर रही है, ड्रामेबाज है, पहले कम किया था, इन्हें अपने घर में रखा है, ये कम है, अब इनकी ख्वाहिशें भी पूरी की जाएं। इतनी ज़्यादा इंसल्ट करने के बाद हारिस यहाँ से चला जाता है। शोभिया को अब सुकून आ गया होगा, बस इसने यही करवाना था। ये अपने कमरे में रोने के लिए चली जाती है, इसकी वालदा भी इसके पीछे चली जाती है। वो कहती है, बेटा तुम्हें भी क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की, हारिस ने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक कहा है, भाईजान ने हमें अपने घर में पनाह दी, अगर वो पनाह ना देते तो आज हम पता नहीं कहाँ रुल रहे होते। और ये तुम देखो, तुम्हारी शादी पे उन्होंने कितना खर्चा किया, अब वो लालची लोग थे वो अलहदा बात थी,
इधर कादर भी जो कि आग बुझाने के बाद फिर इनके पीछे जाता है कि मेरे भाई ने अच्छा नहीं किया। वो सोबिया से कहता है कि ज़िंदगी एक शख्स पे रुक नहीं जाती, तुम खुद को संभालो, बस उसकी बातों का बुरा मत बनाना, उसकी वजह से मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। उसकी आदत ही ऐसी है, वो किसी को नहीं देखता, जो उसके मुँह में आता है ना वो बोल देता है। फिर ये यास्मीन से भी कहेगा कि पुप्पो आप भी परेशान मत हों, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, और हारस की वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, उसे आप लोगों से ये नहीं कहना चाहिए था। इधर हारस ने खुरम को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई। खुरम को तो लगा था आज इसे मैं खूबसूरत लग रही होंगी, शायद इसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, लेकिन हारिस ने इसे इग्नोर किया और यहाँ से चला गया। फिर खुरम हारस को बार बार फ़ोन करती है, मैसेज करती है, एक दफ़ा मेरा फ़ोन तो उठाओ। ये फिर फ़ोन उठाता है और फिर ये हारस से कहती है कि क्या है, कब नाराज़गी ख़त्म करोगे। जवाब में हारिस कहता है जब तक तुम अपनी जॉब से रिज़ाइन नहीं दोगी उस वक़्त तक मेरी नाराज़गी इसी तरह रहेगी। इधर खुरम का वालद देखता है, वो जानता है कि हारिस इससे नाराज़ है, इसकी जॉब की वजह से वो जेलस होता है, इसे जॉब के लिए मना कर रहा है कि तुम जॉब मत किया करो। फिर ये खुरम को समझाते हुए कहता है बेटा अब ये नहीं कि एक बंदा पागल है बेवकूफ़ है उसकी शादी कर दी जाए, और बीवी ऐसी है कि वो घुमाएगी जादू की छड़ी तो वो बंदा ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो भी फ़ैसला करो सोच समझ कर करो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, वो बंदा बदलने वाला नहीं है। जवाब में खुरम कहती है नहीं डैड, नहीं बाबा, मैं अभी ना अपने रिश्ते को कुछ टाइम देना चाहती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो बदल जाएगा, कादर ने मुझे कहा है उसका गुस्सा कम दिनों का है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत बहुत करता है, कादर जानता है ना वो मुझसे मोहब्बत करता है, अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो ज़रूर एक ना एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म ही हो जाएगा। इधर हारिस की वालदा जब ये सुनती है कि इसके शौहर कासम ने उनका ज़िम्मा ले लिया है सोबिया का कि वो इनकी शादी करवाएंगे, ये लोग ना जब से हमारे घर में आए हैं ना इन्होंने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है, अब ये नया ड्रामा, बारात वापस चली गई और अब ये जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है, मैं कहाँ से ऐसा लड़का ढूँढूँ और इस लड़की को घर से निकालूँ, कितने ड्रामेबाज ये लड़की है, ये मनहूस लड़की हमारे घर से जाने वाली नहीं। और इधर कादर को देखो, उन्हें बहुत तरस आ रहा होता है इन दोनों माँ बेटी पे कि ये सर्वेंट क्वार्टर में रहती हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों ना इन्हें मैं घर लेकर आऊं, ये तो हमदर्दी का भूत सवार होता है इस पर, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये सोबिया बहुत ही लालची और घटिया लड़की है, इसके साथ हारिस जो करता है ना बेहतर करता है, इसे इसकी औकात में रखता है, लेकिन ये जो कादर है ना इतनी हमदर्दियाँ जताएगा कि इस सोबिया को अपने घर में ही दाखिल कर लेगा। शायद सोबिया अपनी मासूमियत दिखा कर कादर से हमदर्दियाँ बटोरे, या फिर कहे कि कादर तुम ही मुझसे शादी कर लो, अपने प्यार में फंसा ले, कादर को भी तरस आ रहा होता है, इन दोनों को मोहब्बत हो जाएगी। इधर ये सोबिया कहेगी ठीक है जो कुछ भी है, इतने बड़े घर में तो जाऊँगी, अपनी गाड़ी होगी, कादर अच्छा है जैसा भी है, उससे बेहतर है वो यासर से, लालची लोगों से, ठीक है उस जितना हैंडसम नहीं हारिस जितना, फिर भी काफ़ी बेहतर है, खूबसूरत है, पैसे वाला है, समझदार है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा ख्याल रखता है।